ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जयपुर हेरिटेज नगर निगम में धड़ल्ले से अवैध निर्माण हो रहे हैं। निगम अधिकारियों को इसका पता है, दो बार अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस भी दिए जा चुके हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है। एक खास रिपोर्ट देखिए। जयपुर हेरिटेज निगम में अवैध निर्माण, नोटिस के बाद भी जारी अवैध निर्माण, रसूख के दम पर सेटबैक पर भी निर्माण, मूक दर्शक बन बैठे निगम के हुक्मरान। जयपुर हेरिटेज निगम में धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। ताजा मामला किशनपुर जोन के जालूपुरा में गोपीनाथ मार्ग पर मकान नंबर स्पेशल 1A में अवैध निर्माण का है। इस मामले में निगम ने 2 मार्च 2009 को निर्माणकर्ता को पहला नोटिस भेजा था और अवैध निर्माण रोकने को कहा। इसके बाद 22 अप्रैल 2009 को दूसरा नोटिस दिया गया, जिसके बाद निर्माणकर्ता कोर्ट पहुंचा। कोर्ट में निगम ने निर्माण को अवैध बताया, जिस पर 2017 में कोर्ट ने निर्माणकर्ता की अपील खारिज कर दी, लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माण बंद नहीं हुआ। स्पेशल 1A मकान नंबर है ये, करीब 1100 गज का मकान है ये, और इसमें कमर्शियल एक्टिविटीज और इलीगल निर्माण सेटबैक पे कर रहे थे ये 2009 में। शिकायत की इनको, शिकायत करने के बाद में नगर निगम ने नोटिस दिया इनको कि आप इलीगल निर्माण कर रहे हो, इसको हटाया जाए। तो सुषमा वालिया जो इसमें रहते हैं और उनके बच्चे वगैरह, उन्होंने एक दावा किया नगर निगम पे कि यार नगर निगम जो है गलत कर रहा है, हमारे निर्माण को तोड़ना चाहता है, हटाना चाहता है। स्टे कर दिया कोर्ट ने और उसके बाद में प्रोसीडिंग चली। नगर निगम ने जवाब पेश किया कि इन्होंने गलत निर्माण किया, इनको नोटिस सही दिया, इनको निर्माण हटाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने निर्माण हटाया नहीं, इनका दावा खारिज हो गया 2017 के अंदर। उसके बाद से काफ़ी कोशिश की, शिकायतें की नगर निगम में कि इसको हटाया जाए, अब पर उन्होंने हटाया नहीं। इस मामले में शिकायतकर्ता कमिश्नर, जोन उपायुक्त समेत कई अधिकारियों को पत्र लिख चुके हैं, लेकिन अवैध निर्माण पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 मार्च 2022 को शिकायतकर्ता ने फिर जयपुर हेरिटेज निगम कमिश्नर को पत्र लिखा, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि बेखौफ निर्माणकर्ता ने सेटबैक पर भी निर्माण शुरू कर दिया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दो नोटिस देने के बाद भी अवैध निर्माण बंद नहीं होने पर निगम ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की और क्यों आज भी अवैध निर्माण धड़ल्ले से चल रहा है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से भारत दीक्षित की रिपोर्ट। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे सहयोगी भारत दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत, देखिए अवैध निर्माण बदस्तूर जारी है, तो वहीं जिनको इस पर एक्शन लेना चाहिए वो जानकर भी अनजान बैठे हैं। देखिए बिल्कुल आयुषी, ये पूरा मामला बड़ा दिलचस्प मामला है। कहीं एक और तो जो नगर निगम है वो ये मान रहा है कि अवैध निर्माण हो रहा है, भाई दूसरी ओर अवैध निर्माण होने के बावजूद भी नगर निगम अभी तक किसी प्रकार की कार्रवाई है वो यहाँ पर नहीं कर पाया है। इससे साफ जाहिर होता है कि नगर निगम के जो अधिकारी हैं और अवैध निर्माण करता है पूरी तरह से मिले हुए हैं। आप देख सकते हैं 2009 में नगर निगम की ओर से अवैध निर्माण मानते हुए बकायदा नोटिस है वो निर्माणकर्ता को यहाँ पर दिए, उसके बाद दूसरा नोटिस है निर्माणकर्ता को दिया, और जो नोटिस दिया उसमें यह हवाला दिया गया था कि आप अवैध निर्माण कर रहे हैं, तुरंत इसको रोकिए प्रभाव से। लेकिन निर्माणकर्ता द्वारा लगातार अवैध निर्माण कराया गया और मौजूदा स्थिति की, वर्तमान की अगर बात की जाए तो वर्तमान में हालत ये है कि जो सेटबैक मकान में छोड़ा जाता है, जिससे दूसरा जो व्यक्ति होता है जिसका प्लॉट होता है उसको हवा पानी है, उसका रोके नहीं, लेकिन उस पर भी जीरो सेटबैक पे यहाँ पर निर्माण है वो धड़ल्ले से यहाँ पर जारी है। और नगर निगम के जो तमाम अधिकारी हैं पूरी तरह से आंख बंद करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। परिवादी की ओर से 2 मार्च को, इसी महीने की 2 मार्च को कमिश्नर हेरिटेज को यहाँ पर पत्र यहाँ पर लिखा और पूरा मामला अवगत कराया, लेकिन उसके बावजूद भी किसी प्रकार का एक्शन है अवैध निर्माणकर्ता के खिलाफ नहीं लिया गया है। जी भारत दीक्षित, प्रथमतया क्या मामला ये पूरा लगता है, मिली भगत का असर है या फिर रसूख का खौफ है? देखिए बिल्कुल आप सोच सकते हैं कि एक तरफ नगर निगम लगातार 2 नोटिस निर्माणकर्ता को यहाँ पर दिए, यानी कि नगर निगम ये पहले मान चुका है। चलिए भारत, आपको रोकना चाहेंगे। इस वक्त उपायुक्त किशनपोल जोन जयपुर हेरिटेज निगम हंसा मीणा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हंसा जी, जानकारी आपको भी होगी अवैध निर्माण के बारे में? मैम मेरे को अभी जानकारी नहीं है और ये जानकारी अभी मेरे को आपके संवाददाता से मिली है, लेकिन जो भी अगर अवैध निर्माण है तो डेफिनेटली इस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। हंसा जी, पर ये बात भी सामने आई है कि 2 बार अवैध निर्माणकर्ता को नोटिस भी दिए जा चुके हैं। मैम इसमें एक्चुअली क्या, अभी बीच में 20-25 दिन के लिए मेरा ट्रांसफर हो गया था और मैंने अभी 2 तारीख को ही ज्वाइन किया है, तो ये जैसे ही मामला मेरे सामने आया है तो मैं इसमें तुरंत ही कार्रवाई करूंगी।
चलिए हंसा जी, उम्मीद करते कि जल्दी आपके ओर से कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए। हमारे सहयोगी भारत दीक्षित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, हंसा जी को भी आपने सुना होगा, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए बिल्कुल निश्चित रूप से इस मामले को लेकर हंसा जी से हमारी पहले भी बात हुई थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये मामला आयुषी देखा जाए 2009 से चला आ रहा है। 2009 में नगर निगम की ओर से नोटिस यहाँ पर दिया, ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कई बड़े जो अधिकारी हैं उनका तबादला हुआ नहीं हुआ, लेकिन जिस प्रकार से हंसा मीणा हमें बता रही है कि उनकी नोटिस में मामला आया और वो कार्रवाई करेंगे, तो ये सबसे बड़ी देखने वाली बात होगी कि जिस प्रकार से जौन उपाध्याय तो सरेआम यहाँ पर कह रही है कि कार्रवाई की जाएगी, तो कितने दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ।